भाई इतने जानवर आ गए हमारे यहाँ पे, और वैसे भी हमारे घर के पास तो बकरा ही थे। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, क्या हाल है सबके? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज का ब्लॉग हम स्टार्ट कर रहे हैं आप लोगों के साथ में। इस ब्लॉग को जितना हो सकता है लाइक करें, कमेंट करें, और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि आप लोग मेरे इतना ज़्यादा ब्लॉग देखते हैं, इतना ज़्यादा मुझे प्यार देते हैं, क्योंकि मुझे थोड़े टाइम के लिए रुका हूँ तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार मेरे ब्लॉग लोग देख रहे हैं, इंटरेस्टेड हैं। तो उन्होंने मुझे काफ़ी बार कोई कॉल कर रहा है, कोई मैसेज कर रहा है, कोई जैसे मिल रहा है, वो मुझे कह रहा है यार अब ब्लॉग बनाना स्टार्ट करो। तो मैंने कहा क्यों नहीं भाई, अब ब्लॉग बनाना स्टार्ट करूँगा मैं ज़रूर दोबारा। मेरे कुछ रीज़न थे, इस वजह से ब्लॉग नहीं बना पा रहा था। अब शुक्र है सब मसले हल हो गए हैं, मेरे जितने भी मसले थे अब मैं दोबारा ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आज सुबह सुबह मैं उठ गया हूँ क्योंकि हमारी लाइट गई हुई है, तकरीबन जाती तो वैसे 11:30 बजे, आज 8 बजे चली गई। तो मैं भी उठ गया हूँ, सब उठ गए, मामा लोग भी उठ गए। तो अभी ब्रेकफास्ट करेंगे, थोड़ी देर मैं रेस्ट करूँगा, अभी UPS ऑन किया मैंने, वो थोड़ी देर पंखे में बैठेंगे, हवा लेंगे, उसके बाद फिर ब्लॉग स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं आपको थोड़ी देर। गाइस हमारी लाइट आ गई, अभी हम नाश्ता करने लगे हैं। तो ये हमारा खाना आ गया, पालक बनी थी रात में खाने में। ये गाइस हमारा कंप्रेसर है, 16। हमारा फ्रिज इतना ज़्यादा खुलता है कि हमारा फ्रिज ख़राब वापस हो गया, अभी वापस हम बनवाने जा रहे हैं कंप्रेसर चेंज करने। मंडी भी आए, बकरी, एक बकरी मैंने दिखाई है, तो अभी हम हॉस्पिटल भी जा रहे हैं, स्मेंटा का थोड़ा काम है, तो उसके बाद यहाँ तो एनी टाइम बकरे मंडी लगी होती है कि बकरे बेचते रहते हैं, जब आओ। और अभी हम जा रहे हैं, नुमान आया है मेरे पास, नुमान गाड़ी चला रहे हैं, ये कंप्रेसर मेरे हाथ में है, तो बस यहाँ से हम जा रहे हैं अभी बनाने के लिए। क्या कहते हैं नुमान, आज तूने मेरा कंप्रेसर सही नहीं किया, आज हो जाएगा क्योंकि पहले भी नुमान ने मेरा फ्रिज बनाया था, अच्छा चला था, लेकिन उसके बाद कंप्रेसर ख़राब हो गया। तो कोई बात नहीं, ये तो होने वाली चीज़ है, इतना मुश्किल नहीं है। तो अभी हम फ्रेंडर के कॉलेज में बैठे हैं, ये उसका कॉलेज है, ये इंस्टीट्यूट है नर्सिंग। तो फ्रेंडर के पेपर सारे हो गए हैं, आज लास्ट पेपर है, उसके बाद कल उसका वायवा है, तो उसके बाद डायरेक्ट उसके ये जो वायवा के पेपर थे वो स्टैम्प होने थे जर्नल थे उसके कुछ ना, तो वो आज करवाने हैं क्योंकि कल तो फिर करवा नहीं सकते, कल वो पेपर देने जाएगी या इधर आएगी, इसलिए फिर आज ये ख़त्म करेंगे। यहाँ से फ्री होकर उसके बाद हम डायरेक्ट जाएंगे सदर जाएंगे मार्केट, कंप्रेसर ठीक करवाने, उसके बाद फिर मैं इसलिए ब्लॉग नहीं बना रहा भाई, ब्लॉग बनाने में क्या ना बनाऊँ, क्योंकि इतना ज़्यादा मेरा घूमना फिरना होता ना घर के कामों में, तो इस वजह से मैं कहीं जाते नहीं। मैं सोचता था कि भाई कहीं घूमना फिरना है तो ही ब्लॉग बनाओ, अब मुझे काफ़ी लोगों ने कहा है कि भाई अगर तुम ब्लॉग बना रहे हो ना तो ब्लॉग लोगों को ये भी दिखाओ कि तुम कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ये सब कह रहे, घूमना फिरना घर पर दिखाते हैं, लेकिन आप ये भी दिखाओ कि पूरे दिन में तुम खवारी कितनी करते हो। तो ये सीन है अभी तक घर जाके आपको ये हो गया, स्टैंप हो गई है स्नैंडा की। तो मार्केट, अभी हम मार्केट में आ गए हैं, शॉप है भाई की, तो हम उनकी शॉप में आए हैं, अभी काम करवा रहे हैं। तो ये नुमान बैठा हुआ है, गर्मी इतनी ज़्यादा है, हालत बुरी हो रही है, आज आप यही देखें कि हालत कैसी होती है और कैसी नहीं होती, इसलिए मैं ब्लॉग नहीं बनाता, लेकिन आज मैं इनका बनाओ, इनको दिखाओ कि भाई ये हाल हो रहा होता है। अभी हमारा कंप्रेसर बन रहा है, ये पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ, पीछे भी देख रहे हैं कंप्रेसर पड़े हुए हैं सारे, तो यहाँ पे कभी बनेगा तो उसके बाद फिर हम आपको दिखाते हैं क्या है क्या नहीं, क्योंकि चलती है नहीं चलती, नुमान कारीगर भी लगा हुआ है हमारा। बाकी इस ब्लॉग को आप देखते रहें, जो जो होता है हम आपको दिखा रहे हैं आपको। गाइस अभी हमने जो कंप्रेसर था वो बनने दे दिया है, तो वो हमें मिलेगा शाम 5 बजे तक मिलेगा, तो उतनी देर तक नुमान के घर पे सामान पड़ा है क्योंकि वो इसको और सामान भी चाहिए था, तो अभी इसके घर पे हम जा रहे हैं सामान वगैरह लेके, तो फिर हम घर पर जाएँगे, घर से फिर सामान छोड़ के या कोशिश करेंगे इसके घर पर थोड़ा वेट करें, उसके बाद हम घर ठीक है ना, अब घर से सामान उठाएँगे, सही है नुमान। और
हमने मार्केट में सामान दे दिया था तो नुमान के घर गए थे, वहाँ से अभी नुमान ने फ्रेश हुआ नहाया है तो मैं भी फ्रेश वगैरह हुआ हूँ, तो अभी हम आए हैं खाना खाने के लिए आए कहीं पर, तो बाहर हम कहीं बिरयानी खाएंगे, कह रहा था बहुत अच्छी बिरयानी है यहाँ की नुमान के, तो मैं कहा चलो ट्राई करते हैं। ये नुमान बैठा हुआ सामने, तूने कंघा भी नहीं किया बालों पे? नहीं यार, बस ऐसी बाहर आए, ये कंघा भी नहीं करके आया, बस घर पे जाके दोबारा अभी जाना है घर पे, तो वहाँ से भी सामान उठाना है, सामान उठा के हम डायरेक्ट निकलेंगे। कहाँ जाना है? सीधा इसके घर पे जाना ना, घर पे जाना, सीधा घर जाएंगे, उसके बाद फिर फ्रिज बनाएंगे। आज का दिन ऐसे ही, अभी मुझे और भी जगह पर जाना था, मार्केट में जाना था, एल्बम उठाना था, एक क्लाइंट है मेरे, उनका एल्बम रेडी हो गया था, देखा होगा अपने ब्लॉग के पीछे, ब्लॉग जो मेरा पोस्ट हुआ है बर्थडे का ब्लॉग था, वो आपने देखा होगा शायद, वो भी जिसने नहीं देखा वो देख ले, जिसने देखा उसको पता होगा, तो उनका एल्बम भी बन गया है, तो उनका एल्बम अभी मुझे मार्केट से उठा के आज रात को उनको देना है, पता नहीं टाइम लगता है नहीं लगता, मुझे तो मुश्किल लग रहा है। ये हमारी आ गई बिरयानी, आ गई हमारी बिरयानी, आ गई इनवान बिरयानी, वाकई नो डाउट अच्छी बिरयानी। तुझे कैसी लग रही है? टेस्टी, इतना बड़ा जग मेरे सर पर रखे, इसको तो हटा दे। सामान पड़े है हमारा, सब कुछ सामान इकट्ठा कर लिया, बस अब घर पे जाने लगे, सामान रह गया बस वहाँ से लेके निकलना। 11:30 हो रहे हैं तो अभी काम स्टार्ट कर लिया हमने, क्योंकि काम हमारा अनुमान कितनी देर का है? 25 मिनट का काम है, जो 25 मिनट का काम हमारा आज का पूरा दिन ले गया है, तो बस अभी हम काम स्टार्ट कर रहे हैं, काम खत्म करके आपको दिखाते हैं। गैस चार्ज कर रहे हैं अभी हम, बस उसके बाद काम तो प्रॉपर हो गया पूरा, तो बस अब ये गैस चार्ज हो रहा है, उसके बाद काम फिनिश है हमारा। जी हाँ, तो फाइनली फ्रिज हमारा बन गया, तो उसके बाद नींद मुझे इतनी आ रही है, क्योंकि हमारा असल में जो काम लेट हुआ ना वो हमारी लाइट ने किया है, क्योंकि हमारी लाइट 6:30 बजे जानी थी और 10:30 बजे जानी थी, तो इस चक्कर में हमारे पास जो टाइम था कि 6 बजे से लेके 8-10 बजे तक का टाइम था, तब मैंने अनुमान को बोला, मैंने कहा भाई तब तक ना अपना क्लाइंट देख ले, कोई है तो उनके पास चले जाते हैं, तो मैंने ब्लॉग नहीं बनाया, इसके साथ मैं गया आज काम किया, बड़ा मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया, गला मेरा बिल्कुल बैठ रहा है, तो इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, इस ब्लॉग को लाइक करें, कॉमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना मत भूलें, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें, और नीचे बेल आइकन को ऑन करें ताकि मैं जो भी वीडियो अपनी पोस्ट करूं आप लोग के पास नोटिफिकेशन जाए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।